हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हमारे पूरे चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल और फिनॉल को हम सेपरेटली कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ईथर्स। तो पूरे ईथर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत कम रिएक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने सेपरेटली इसलिए रख लिया था ताकि इसको हम एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कुछ IUPAC नेमिंग कि किस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं, देन हम रिएक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ईथर्स में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका ROR, यानी कि हमारे पास O होगा और उसके साथ दो सिंगल बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास कार्बन्स होंगे, तो वो कार्बन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो हम उसे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। लेट सपोज जैसे हमारे पास ये CH3 O CH3, तो इस साइड भी CH3 है, इस साइड भी CH3, तो सिमेट्रिकल है और नीचे वाला क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ CH3 है लेकिन यहाँ पर CH2 CH3 है। अब ईथर की नेमिंग्स के लिए हम क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं ऑक्सी। क्या जोड़ेंगे हम इसकी नेमिंग के लिए, ऑक्सी। अब हमारे पास अगर दो ग्रुप हैं जैसे CH3 O CH3, तो इसमें से एक ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लीव कर दो, तो मैंने इसको लीव कर दिया, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, ऑक्सी। तो एक कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे मिथॉक्सी, और एक कार्बन को काउंट कर लेंगे कि वन कार्बन बचा है, तो उसके लिए क्या आएगा, मिथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं आपको, सर इसके साथ स्किप कर देते हैं, दैट इज ओके क्योंकि दोनों सेम है। अब लेकिन हमारे पास ये आ गया है, अब किसके साथ स्किप करेंगे, तो हमेशा स्मॉल ग्रुप के साथ आप उसे स्किप कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इनकी नेमिंग करनी है। तो ये दो एग्जाम्पल पहले वाले यही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, तो इसकी नेमिंग लिख लिया आपने पहले वाले की, सेकंड वाले की नेमिंग समझ में आ गई है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप लोग इससे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, देन आप लोग इसको देख लेंगे। तो ये पहला नाम हो गया हमारे पास मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको स्किप कर दिया है, ये वाले ग्रुप को, यहाँ पे भी यही करोगे, स्मॉल ग्रुप यही है, 1 2, काउंट इन कर लेना अपने नोट्स में भी ताकि बाद में जब रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। तो मिथॉक्सी दो कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इथेन। अब हमारे पास आ गया है बेंजीन और हमारे पास ये कार्बन की चेन भी, तो काउंटिंग करोगे 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 पे कौन छूट गया है, यहाँ पर 2 पे मिथाइल ग्रुप छूटा एक, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल। 3 है तो प्रोपॉक्सी, 2 थे तो इथॉक्सी, 1 था तो मिथॉक्सी, तो 3 कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। तो समझ जाएंगे, अगर हमें कोई ऐसा नाम लिख के देगा तो हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले हम देखेंगे बेंजीन तो हम बेंजीन बना देंगे, फिर हम देखेंगे 2 मिथाइल प्रोप यानी कि 3 कार्बन है, तो हम ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेम हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, कितने कार्बन है, 2, तो 2 पे हमें दिखाई दे रहा है इथॉक्सी, और 1 1 पे क्या है हमारे, मिथाइल है। तो पहले 1 1 मिथाइल और 2 2 इथॉक्सी देख लेते हैं। तो 2 पे हमारे पास हो गया है इथॉक्सी, फिर हमारे पास कौन आ जाएंगे, 1 1, कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल। सब कंप्लीट हो गए, इसका नाम लिख दिया, इनका नाम लिख दिया, अब इसका नाम क्या होगा, बेंजीन मत लिख देना जल्दी में, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है इतनी बात? अब इसका नेम लिखो, ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2। ईथर को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, NO2 को बाद में, तो 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो। दूसरे पे क्या है, 1 इथॉक्सी, तो 1 पे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, तो 1 इथॉक्सी और ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हो गए तुम्हारे कौन से नेम, ये सारे नाम जो थे ये थे हमारे IUPAC नेम। अब हम देखेंगे इनके कॉमन नेम, तो कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम में क्या करना है,
हमारे पास दो सी एस थ्री ग्रुप हैं, तो दो सी एस थ्री हैं तो इन्हें हम बोलेंगे मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल ना कह के हम इसे क्या कहेंगे, डाई मिथाइल। तो दो सी एस थ्री हैं तो इसे हम बोल देंगे डाई मिथाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, ईथर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है इतनी बात। दूसरा नाम लिखो, एक मिथाइल है और दूसरा क्या है, इथाइल है, तो एम पहले आता है ये ई पहले आता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, देखो ये किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, आइसो अरेंजमेंट है, जब एक कार्बन के साथ दो सी एस थ्री टाइप के जुड़े होते हैं, दो कार्बन जुड़े होते हैं, तो आइसो एक दो तीन चार, तो आइसो ब्यूटाइल है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, फेनिल है, तो फेनिल आइसो ब्यूटाइल ईथर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फेनिल आ गया बेंजीन रिंग के लिए, फेनिल, फिर अरेंजमेंट है हमारे पास आइसो टाइप का, तो आइसो ब्यूटाइल, फिर ओ हमें दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईथर फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर है। तो ये इनके कॉमन नेम है, ये तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक, तो ये तुम्हारी नेमिंग के लिए हो गई, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे दिक्कत आई तो वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो कि क्या नेमिंग हो सकती है इनकी, क्योंकि जो कंपाउंड बनेंगे, हाँ एक बात और, जो कन्वर्जन आएंगे आप लोगों के पेपर में, अगर आप लोगों के आईपीएससी नेम सही नहीं है तो पहले स्टेप में ही आप फेल हो जाओगे, दैट मीन्स कन्वर्जन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों के आईपीएससी नेम और कॉमन नेम आप लोगों को याद होने चाहिए, जिनके कॉमन नेम बताए जा रहे हैं और आईपीएससी नेम, ताकि आप कन्वर्जन कर सको, ठीक है। अब मैंने कन्वर्जन दे दिया आपको कि आपको फिनॉल से इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, अब आपको इथॉक्सी बेंजीन पता तो हो पहले कैसे बनता है, देन आप कन्वर्जन करोगे, ठीक है। तो कन्वर्जन में पहुंचने के लिए, इसलिए मैं अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं कन्वर्जन वगैरह के, क्योंकि अभी थोड़ी लंबी प्रोसेस है, पहले बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर की, फिर मिक्स कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप्स के कन्वर्जन आते हैं, दो स्टेप्स के मेनली आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको करने के लिए आपके मिक्स कन्वर्जन मिलेंगे नॉर्मली आपको, ठीक। तो पहले आपको आईपीसी नेम, रिएक्शन, ये सब चीज़ें बेसिक्स पहले बहुत अच्छे से क्लियर हो, देन आप कन्वर्जन में जंप करें, डायरेक्टली कन्वर्जन करने की कोशिश अभी ना करें, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं सबसे पहले आर ओ आर, तो ये क्या है हमारे पास, ईथर है, इसके रिएक्शन करा दो किसी एसिड से एच एक्स, तो क्या बनेगा, पहले एक तो बन जाएगा आर ओ एच और एक बन जाएगा एच एक्स, तो बेसिकली एक यहाँ चला गया जैसे X और यहाँ चला गया H, तो आर ओ एच और आर एक्स ये हमारे बन गए हैं। अब ये जो एल्कोहल है जो बना है हमारे पास आर ओ एच, अब अगर ये फर्दर एच एक्स से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, H और ओ एच एच टू बन जाएंगे, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एक्स में, तो ये तो जनरल रिएक्शन है। कब रिएक्शन यहाँ तक होगी और कब यहाँ तक होगी उस पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप लोग पहले अच्छे से देख लो। तो उसके बाद एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका एच आई, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, और फिर होगा आपका एच एफ, क्योंकि एच आई में क्या होगा, एच आई में बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो इजीली ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इजीली एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो जो एच पॉजिटिव आयन जल्दी दे दे उसी को तो हम अच्छा एसिड मानते हैं, यानी कि एच आई क्या होगा, बहुत अच्छा एसिड होगा, तो उसी से हम रिएक्शंस कराने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच आई, तो एच आई हाइड्रोजन हाइड्राइड कैसा ले रहे हैं हम, अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं रहेगा हमारे पास, एक एक्सिस में कराएंगे हम रिएक्शन, तो विथ कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड एच आई। अब रिएक्शन बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास है सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम एच आई से, एच आई क्या है, एक एसिड है, तो एसिड हमें सबसे पहले क्या देगा, एच पॉजिटिव देगा, और एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा कर सकता है, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री ओ H ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज सी एच टू सी एच थ्री, पहला स्टेप ये क्लियर है, तो ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। बात आती है जब आयोडीन अटैक करेगा,
कौन अटैक करेगा? आई नेगेटिव। अब दो चॉइस है, ठीक है। एक चॉइस ये है कि ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हो, यानी कि आई नेगेटिव जो है अटैक करे सी एस थ्री पे। तो अगर सी एस थ्री पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, सी एस थ्री पर अटैक करेगा तो सी एस थ्री आई बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाए, यानी कि जो आई नेगेटिव वो कहाँ अटैक करे, इस वाले कार्बन पे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा सी एच थ्री ओ एच, और दूसरा क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू आई, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला है, ये वाली कंडीशन क्या है, मेजर है, और ये वाली कंडीशन क्या है, माइनर है। अब क्यों है उसको देखते हैं। आई नेगेटिव को अटैक करना है, अब अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हो तो प्लस चार्ज इस सी एस थ्री पे आएगा, ठीक है। सोच के देखो, अगर यहाँ से बॉन्ड यहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, सॉरी फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ऐसे ब्रेक करते हो तो भी फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का तो रोल है ही नहीं यहाँ पर। अब आई नेगेटिव को अटैक करना है, अब आई नेगेटिव को अटैक करना है, आई नेगेटिव ने देखा यार यहाँ भी कार्बोकैटायन पलना है, प्लस फर्स्ट डिग्री का, यहाँ पर भी फर्स्ट डिग्री का, उसने देखा यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ तीन सी एस थ्री जुड़े, जबकि इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ जो है दो तो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक सी एस थ्री जुड़ा हुआ है, बड़ा सा सी एस थ्री, तो इतनी क्राउडिंग यहाँ से हो गई है। तो वो कहेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, जहाँ पे भीड़ बहुत कम है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा। तो आई नेगेटिव कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, सी एस थ्री पर अटैक करना पसंद करेगा। तो क्या आ जाएगा, ये सी एस थ्री पर अटैक करेगा तो सी एस थ्री आई, और दूसरा क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट क्या है, माइनर है, क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको आप लोगों को अपने जहन में अच्छे से रख लेना है कि क्या मेजर होगा। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एच आई। अब अगर एच आई को मैं आपको एक्सिस में दे देता हूँ, ठीक है, अगर एच आई क्या हो हमारे पास, एक्सिस में हो, विथ एक्सिस एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड, एक्सेस में ले लिया है, ठीक है, यानी कि एच आई आपके पास और ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहल भी नहीं बचने वाला है, देखो राइट रिएक्शन आर ओ एच फिर से इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो ये जो हमारे पास क्या था, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ये रिएक्शन कर लेगा किससे, एच आई से, तो क्या होगा, एच इस पर अटैक करेगा और आई नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू आई, ये भी एल्काइल हैलाइड बना देगा और क्या बाहर हो जाएगा, एच टू ओ, क्लियर है, समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो देखो अब फाइनल प्रोडक्ट आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि जैसा आप लोगों ने कहा किस में बनाया था, माइनर प्रोडक्ट में बनाया था। अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, समझ गए सारी कंडीशंस। पहले मैंने क्या कहा है, केमिकल रिएक्शन है, ईथर की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा एल्काइल हैलाइड, कौन सा बनेगा अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर अगर एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूँ, एसिड से, तो वो आर एक्स, यानी कि फिर एल्काइल हैलाइड बना देगा और वाटर बाहर हो जाएगा। फिर हम आए कॉन्सेंट्रेटेड एच आई लेकर, ठीक है, एच पॉजिटिव ने, एच पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दो चॉइस है ब्रेक करने की। आई नेगेटिव ने देखा यहाँ क्राउडिंग कम है, हिंड्रेंस कम है बेसिकली, ठीक है, तो उसने यहाँ पर अटैक करना पसंद किया, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना और ये वाला क्या बना है, माइनर प्रोडक्ट, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है एल्कोहल बन रहा है सी एस सी सी एस टू ओ एच, और ये बन रहा है एल्काइल हैलाइड, ठीक। उसके बाद मैंने कहा अगर एक्सेस में ले लेते, एक्सेस में लोगे तो एच आई और ज़्यादा प्रेजेंट है, तो कोई कमी नहीं है एच आई की, तो इस एल्कोहल को भी नहीं छोड़ने वाला हो, तो फिर रिएक्शन करेगा, फाइनली क्या बन जाएगा, सी एस सी सी एस टू आई, वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है हमें, जैसा हमारा माइनर प्रोडक्ट था। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट पेपर में रिएक्शन आती है, ये तो मैकेनिज्म टाइप की होगी, ठीक है, तब हमें कैसे करना है, तो दो रास्ते हमारे पास, हमें दिया होगा सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पे लिखा होगा एच आई, यहाँ पे लिखा होगा एक्सिस। अब दो स्टेप तो नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि जो आई नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा इस बार, इस वाले कार्बन पे जहाँ क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू आई। लेकिन अगर एच आई के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, तब कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे इसका, तब आप बनाओगे सी एच थ्री आई और सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। इन दोनों बातों को अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो, सारी समरी है अभी, कॉन्सेंट्रेटेड
अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हाफ फ्रैक्शन दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये थोड़ी सी चीज़ें होंगी, कहीं पर एक्सेस लिखा होगा कहीं पर, ये तो ध्यान देना होगा। जिसने ध्यान नहीं दिया तो वहीं पर रॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा और आप घर आके कहोगे हमारे क्वेश्चन सही हो गए, फिर बाद में कहोगे हमारे मार्क्स कम आ गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लो, नोट कर लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम टर्शरी ले लें, सेकेंड डिग्री ले लें, तो क्या केस बनता है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है पहले इसे। पहले आप लोग ट्राई करेंगे इसे बहुत ईमानदारी के साथ, तभी कंसेप्ट डेवलप होंगे आपके, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक को रटते चले जाएंगे और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो यह है हमारे पास एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक, अब यहाँ पर एक्सेस दे या ना दे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट हमारा इस बार कुछ अलग ही तरीके से जाने वाला है। प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा और देखते हैं किस किस का सही आया है। तो होगा क्या, H पॉजिटिव निकलेगा, ऑक्सीजन उसको कैप्चर कर लेगा, ये OH बन जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, देखो OH बनता हुआ। ठीक है, OH बन गया है, O पे पॉजिटिव आ गया। अब बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, अगर यहाँ ब्रेक होगा तो ये कौन सा कार्बोकेटन बन जाए, थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री कार्बन कार्बोकेटन बना, यानी कि कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो आई नेगेटिव इस बार कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा CH3OH। नहीं आया समझ में, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म से। अब तो तुम लोगों ने, अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो रेगुलर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अब अप्रोच करना आ गया होगा मैकेनिज्म में, कि क्या होते हैं हमारे इनिशियल स्टेप। ज़्यादातर मैकेनिज्म को हम अपने बेसिक्स से अप्रोच कर जाते हैं। तो एसिड है, क्या देगा हमें, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन हमेशा ही कौन देता आया है, ऑक्सीजन, क्योंकि वही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, CH3 CH3, देन O, यहाँ पर H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और ये CH3। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक किया हमने, अगर यहाँ को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करते हैं, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 CH3, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, CH3OH। अगर बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ OH और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम ही लोग डिसाइड करो कि कौन ज़्यादा स्टेबल तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये तो तुम लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ ये कैसा डिग्री का कार्बोकेटाइन है, दिस इज अवर थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन, वेयर इट इज फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है, और ये क्या होगा हमारा, माइनर होगा। ठीक है, हालांकि प्रोडक्ट अभी नहीं बनाया हमने, तो अब लास्ट स्टेप क्या करोगे, इस पे किसका अटैक करा दोगे, किसका अटैक कराओगे, कौन बचा है हमारे पास, आई नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का CH3 C CH3 I आ जाएगा, कर लोगे इतना तो। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट बना लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा CH3 I, क्लियर है, यहीं पर बनाता हूँ मैं इसको। ठीक, तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला है आपका माइनर प्रोडक्ट, क्लियर है। तो इतनी बातें तुम लोग समझ गए होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इसकी ब्रेकिंग करनी है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने, बनाओ ज़रा, एनिसोल की रिएक्शन कराओ HI से, क्या बनेगा, ट्राई करो आप लोग, एनिसोल की रिएक्शन HI से। तो एनिसोल क्या होता है हमारे पास, एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर, यस, O CH3, इसकी रिएक्शन कराओगे किससे, HI से, तो क्या बनेगा, अगर मैकेनिज्म में मैं जाऊं तो क्या करोगे पहले, अब तो तुम्हें वैसे भी दिखने लग जानी चाहिए मैकेनिज्म, ठीक है, हर बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन पे चला गया H पॉजिटिव और ये कौन है हमारे पास, CH3। ठीक है, अब बताओ कहाँ बनेगा फिर, कहाँ को बॉन्ड ब्रेक करना पसंद करोगे, बताओ इसे। चलो कराएं फिर अब अटैक,
इसका टैग होना है आई नेगेटिव का। अगर आप बॉन्ड ऐसे ब्रेक करा देते हो तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दिया तो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर प्लस, देखा है क्या भाई ऐसा कभी, प्लस चार्ज आ जाए, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यानी कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। तो आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, सी एस थ्री पे। तो जिन्होंने आंसर ये बनाया है उनके लिए वेरी गुड। ओ एच, जिन्होंने गलत बनाया है कोई बात नहीं, तुम लोगों को नई चीज़ देखने को मिल गई। ठीक है, अब दोबारा तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, सोचोगे कि बेंजीन के ऊपर प्लस तो नहीं बनाना है, फिनॉल, फिनॉल बन गया, सी एस थ्री आई हो गया, तो ये बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो बस ये हो गया ओ एच और ये हो गया हमारा सी एच थ्री आई। क्लियर है, और कुछ एग्जांपल्स देखें। तो चलो ये हैं आपके तीन एग्जांपल। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करी है, इसका मतलब आप लोग बहुत क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। सब में रिएक्शन एच आई से ही करानी है। ठीक है, रिएक्शन विथ एच आई, रिएक्शन विथ एच आई। ठीक, कुछ नहीं लिखा गया है यानी कि एक्सेस नहीं लिखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हेड ही होगा, यानी कि कम अमाउंट में दिया है बेसिकली आपको। ठीक है, एक्सेस नहीं लिखा है। तो पहले वाले में देखो, अब मैकेनिज्म मत बनाओ, अब ऐसे ही बनाओ। एच पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे चला गया, अब तुम्हें चॉइस करनी है बॉन्ड कहाँ को ब्रेक करें। अगर ऐसे ब्रेक करते हो तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, ये फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है। ऐसे ब्रेक करते हो, ये भी क्या है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अगर दोनों ही फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है तो क्या देखोगे कि आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो कौन सी साइड लेस सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रही है तुम्हें, इस कार्बन के साथ देखो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक सी एस थ्री, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो कौन सी साइड लेस सब्स्टिट्यूटेड है, कहाँ पे एंट्रेंस कम होगा, इस वाले पे। तो आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू आई, और प्लस क्या बना दोगे, अल्कोहल, यानी कि सी एच टू ओ एच बना दोगे, बना लोगे। इसको देखते हैं, यहाँ पे भी अच्छा ही है। अगर बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा ये, इस वाले को बना रहा हूँ मैं, सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और इस कार्बोकैटायन पे आई नेगेटिव अटैक कर लिया, आई आ गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच बना दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करोगे ये, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं थोड़ी देर के लिए बॉन्ड को हटा देता हूँ, तो देखो कौन स्टेबल है, ये फिनॉक्साइड आयन है यानी कि नेगेटिव रेजोनेंस में चला जाएगा, ये प्लस चार्ज है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, तो ये भी स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो दोनों बढ़िया स्टेबल है, लेकिन इसका उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, तब गलत हो जाएगा। तो ये है, तो अब तुम लोगों को पता है कि आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस पर, और एच कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा सी एच टू आई, और दूसरा बन जाएगा आपका, दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है आपका फिनॉल। क्लियर है, समझ गए इतनी बातें। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स को हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो मैं फिनॉल में भी सिखा चुका हूँ कि क्यों हमारे पास फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमारे पास ईथर है ओ आर, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये रिंग को एक्टिवेट करता है। तो रिंग को एक्टिवेट करके भी मैंने सिखाया था, तो कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हो रही है, देखो ऑर्थो, ऑर्थो पे आ रहा है चार्ज एक बार आ रहा है पैरा पे, और ये भी पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये एक्टिवेट करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, ब्रोमिनेशन यानी कि हेलोजिनेशन करते हैं हम इसमें, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन करा देते हैं, एनिसोल ले लेते हैं, एनिसोल की रिएक्शन बहुत है तुम्हारे एनसीईआरटी में, ओ सी एस थ्री मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल जाना जाता है, कॉमन नेम इसका एनिसोल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तो एनिसोल की रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन से, Br2 से। ठीक है, लेविस एसिड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इथेनोइक एसिड के अंदर इसको बना सकते हो इसका सॉल्यूशन। ठीक, काफ़ी पोलैरिटी जनरेट कर देता है, तो एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो इसके लिए करा दोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आप क्या क्या बना दोगे, एक एक प्रोडक्ट बना दोगे, तो एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट तुम लोगों को ऑर्थो और पैरा पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है यहाँ पर, मैकेनिज्म में सब कुछ सिखा चुका हूँ जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देखो, हेलो एल्किंस में जाओ, वहाँ पर मैंने जो बेसिक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ये क्या कहते हैं हैलोजिनेशन, सबकी मैकेनिज्म भी सिखाई है इवन, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये बन गया हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट और एक क्या बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट, तो ओ सी एच थ्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बी आर, ठीक है। यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से यूज़ हुआ, एक एच और एक बी आर चला गया और एक कहाँ से यूज़ हुआ है पैरा पोजिशन से, तो ये बन गया हमारे पास। नाम लिख लोगे इसका, इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी, वन टू थ्री एंड दिस इज फोर, तो फोर ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर, जैसा कि हम हमेशा ही समझते हैं ये मेजर और ये माइनर, क्योंकि ये बहुत दूर दूर हैं ग्रुप, इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात है। तो ये था हमारा ब्रोमिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, तो जल्दी से बनाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है। तो ये रहा हमारे पास एनिसोल यानी कि ओ सी एस थ्री, तो दो फ्रीडल क्राफ्ट होंगे, एक होगा एल्काइलेशन यानी कि सी एस सी सी एल से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री या फिर कोई और लेविस एसिड। तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक ऑर्थो से ले लोगे और एक पैरा से, तो ऑर्थो से एच और सी एल बाहर हो गए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला बना लो ओ सी एस थ्री और सी एस थ्री कहाँ जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे, एक कहाँ बना दोगे, एक बना लोगे पैरा पोजिशन पे, तो ये बन जाएगा ओ सी एस थ्री और एक सी एस थ्री कहाँ लगा दोगे पैरा पोजिशन पे, क्लियर है। दूसरा एसिटाइलेशन कर देते हैं, तो एसिटिल क्लोराइड यानी कि सी एस टी सी ओ सी एल से रिएक्शन करा दोगे, वही एन एड्रेस एल सी एल थ्री, एच और सी एल बाहर हो जाएंगे, तो मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं हम ओ सी एस थ्री, मेजर क्या बनेगा पैरा वाला, तो क्या जुड़ जाएगा उसके साथ सी ओ सी एच थ्री। ऐसा ही तुम ऑर्थो भी बना सकते हो, नेम लिख लो इसका, ये एसिटोफिनोन है इतना देखो, तो वन टू थ्री एंड फोर, फोर पे क्या हो गया मिथॉक्सी, तो फोर मिथॉक्सी क्या लिखोगे इसे एसिटोफिनोन, क्लियर है। ऐसे इसका नेमिंग कर सकते हो, टू मिथाइल एनिसोल, वन टू टू पे आपके पास है मिथाइल और ओ सी बेंजीन के साथ वैसी ओ सी एस थ्री को क्या पढ़ता है अभी तक एनी सोल, समझ गए इतनी बात। तो अब देख लेते हैं हम नाइट्रेशन, तो चलो जल्दी से नाइट्रेशन बना लेते हैं। तो नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेट एच एन ओ थ्री और कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर, यस बिल्कुल, तो ओ सी एच थ्री, ठीक है, तो ओ सी एस थ्री की रिएक्शन करा दो। तो ये रहा हमारे पास कॉन्सेंट्रेट एच एन ओ थ्री और ये रहा हमारे पास कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर, क्या बन जाएगा, एक ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा और एक पैरा पोजिशन पे, क्या आता है नाइट्रेशन से एन ओ टू, तो ये आ गया एन ओ टू एक ऑर्थो पर और एक कहाँ पर आ गया, बहुत ही खराब बेंजीन बनाया मैंने ये वाला, पैरा पोजिशन पे, ठीक है, तो ये हो गया। नेम लिख लोगे टू नाइट्रो एनिसोल और फोर नाइट्रो एनिसोल या फिर ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या फिर पैरा नाइट्रो एनिसोल, क्लियर है इतनी बात। बाकी यहाँ पे अगर समझना चाहते हो नाइट्रेशन में हम एच एन ओ थ्री को ऐसे लिखते हैं ओ एच एन ओ टू, तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ से हाइड्रोजन लो तो एच और ओ एच बाहर, क्या बचेगा एन ओ टू, एन ओ टू जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हुआ नाइट्रेशन हमारा, तो फाइनली यहाँ पर हमारा ईथर कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ हमारा एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड
उसके आगे फर्दर हम उस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग और वीडियोस देख सकें, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो नोट्स बनाते रहें, रिविज़न करते रहें। थैंक यू वेरी मच।